आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है। केजरीवाल आज 54 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। उन्होंने शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा में हुआ था। केजरीवाल के पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की थी। केजरीवाल का ज़्यादातर बचपन सोनीपत, गाज़ियाबाद और हिसार में बीता था। उन्होंने हिसार के कैंपस स्कूल और सोनीपत के होली चाइल्ड स्कूल से पढ़ाई की है। साल 1985 में उन्होंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया और उनकी ऑल इंडिया रैंक 563 थी। उन्होंने IIT खड़गपुर से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद 1989 में उन्होंने जमशेदपुर के टाटा स्टील में नौकरी की। नौकरी से ब्रेक लेकर वह सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गए। 1995 में केजरीवाल का चयन IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हुआ। साल 2006 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो वह दिल्ली में जॉइंट कमिश्नर थे। साल 2011 में जब कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था तो अरविंद केजरीवाल भी उसका हिस्सा थे। इंडियन अगेंस्ट करप्शन नाम का उनका ग्रुप जन लोकपाल बिल की मांग कर रहा था। साल 2012 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई और उसके राष्ट्रीय संयोजक बने। आम आदमी पार्टी ने 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस चुनाव में BJP को 31 सीट मिली थी जबकि आम आदमी पार्टी को 28। केजरीवाल ने उस चुनाव में 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। बाद में वह कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। 14 फरवरी 2014 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2015 में जब दोबारा दिल्ली में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 में से 67 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। 2020 विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईआन TV।